नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज दिनांक 2 अक्टूबर और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और इस वीडियो का PDF लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल सैफ अंडर 18 चैम्पियनशिप जीती है? विच कंट्री हैज़ वॉन फुटबॉल सैफ अंडर 18 चैम्पियनशिप? इसका सही उत्तर होगा भारत। सेकेंड स्थान पे बांग्लादेश रहा। आपको बता दें, फुटबॉल सैफ अंडर 18 चैम्पियनशिप नेपाल के काठमांडू शहर में आयोजित है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राजनाथ सिंह ने 17A के प्रोजेक्ट में पहला जहाज लॉन्च किया जिसका नाम है? राजनाथ सिंह लॉन्च द फर्स्ट शिप इन द 17A प्रोजेक्ट विच नेम इज INS नीलगिरी, जो मुंबई के एक पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया है। जो यह शिप इंडियन नेवी द्वारा बनाया गया है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। गांधी फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? वेयर विल द गांधी फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? इसका सही उत्तर है मुंबई, जो 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच चलेगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? हु वॉन द कोरियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? इसका सही उत्तर है केंटो मोमोटा। आपको बता दें, यह मैच 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक साउथ कोरिया के इंचियन नाम शहर में आयोजित था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में भारत का रैंक क्या था? व्हाट वाज द इंडिया रैंकिंग IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019? इसका सही उत्तर है 44। आपको बता दें कि पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हांगकांग और सबसे निचले स्थान पर वेनेजुएला 63 पोजीशन पे रहा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। IAAF विश्व एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द IAAF वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज? इसका सही उत्तर है दोहा कट्टर में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन रहा? टॉप स्टेट इन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग? इसका सही उत्तर है केरला। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री राजनीति और उसके परे पुस्तक की लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड? इसका सही उत्तर है संदीप शास्त्री। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो जोस का निधन हुआ वे कौन थे? हु आर द जोस डाइड रिसेंटली? वह एक गायक थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने बेल्जियम टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? हु हैज़ वन द सिल्वर मेडल इन बेल्जियम टूर्नामेंट रिसेंटली? इसका सही उत्तर है भवानी देवी, जो फेंसर गेम खेला करती हैं, जिसका हिंदी गदा से लड़ने वाला एक खेल होता है। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विश्व कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 5 अक्टूबर। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हम लोग कहाँ